हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वंदना और आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अलग अलग टाइप के जो डब्बे हैं, जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, आप किस तरीके से उनको यूज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ आप उसमें रख सकते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज उनका कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये छोटी सी डब्बी है, ये प्लास्टिक की एक डिब्बी है। इसमें मैंने ये जो है ये कमरबंद है, जिसे आप तगड़ी भी बोल सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर रखी है। तो ये जो है ऐसा बोलता है कि इस तरीके की जो ज्वेलरी आती है प्लास्टिक के डब्बे में और पॉलीथीन में करके रखी जाती है तो वो काली नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने इस अपनी डब्बी के अंदर अपनी जो है ये चीज़ें, ये एक तगड़ी है जो मैंने इसके अंदर रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं ज़्यादा चीज़ ज्वेलरी इकट्ठी तो नहीं करती, लेकिन इस तरीके की जो मेरे पास ये जो है ये कमरबंद है, इसको मैं रखती हूँ। इसको 4 साल हो गए लगभग और ये काली नहीं पड़ी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इस प्लास्टिक की डब्बी ने इसको जो है अच्छी तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया है। दूसरी जो डब्बी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके अलावा आप इसके अंदर अपने बटन्स, अपनी पोम्पोम्स, अपने छोटे मोटे टैजल्स और छोटे हुक्स वगैरह भी इनके अंदर रख के स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट आपको देख करके पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज़ें हैं और खोल खोल के डब्बों को देखना नहीं पड़ेगा। तो आप उस तरीके में काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने हुक, चिट, बटन्स जो स्टिचिंग वगैरह काम करते हैं, या क्राफ्ट वगैरह जो क्राफ्ट का काम करते हैं, क्राफ्ट रिलेटेड छोटे मोटे आइटम्स इसके अंदर रख सकते हैं। दूसरा जो डब्बा मेरे पास है वो कुछ इस तरीके का है। आप सभी जानते हैं कि इस तरीके के जो बैंगल्स के जो डब्बे होते हैं, इसमें बैंगल्स तो सभी रखते हैं तो आम बात है, लेकिन बैंगल्स के अलावा भी इस तरीके के डब्बों में काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। जैसे कि ये तो बैंगल्स हो गए, आपके कड़े हो गए, आपकी ज्वेलरी हो गई, आपके रिंग्स वगैरह हो गई, तो वो सब चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो अपनी चूड़ियाँ जो है रखी है, ये कड़े की जैसी चूड़ियाँ, तो ये चूड़ी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से रहती है, डस्ट भी नहीं लगती और इनमें जो है किसी भी तरीके की स्क्रैच वगैरह ये रफ भी नहीं पड़ती इस तरीके से स्टोर करने। इसके अलावा भी चूड़ियों के अलावा आप इसमें क्या रख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप इस तरीके, मेरे पास कई डब्बे हैं, मैंने सबको अलग अलग तरीके से उठा लिया है कि इस तरीके के डब्बे, इसमें मैंने चूड़ी नहीं रखे, चूड़ियों का इस्तेमाल तो मैंने कर लिया है, डेली यूज में निकाल लिया। तो इसमें मेरे पास ये कुछ हेयर एसेसरीज है, आप देख सकते हैं ये गुलाब की, इसमें कुछ हेयर एसेसरीज है जो बालों में लगाते हैं। इसमें कुछ हार्ट शेप भी है, एप्पल शेप भी है, और इसके अलावा ये कुछ स्टार लाइक हेयर एसेसरीज है जो मैं अपने बालों में इधर उधर पार्टी वगैरह में जाना होता है, बंस वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से एक अच्छी लुक आ जाती है, वो लगाने में काम आती है। इसके अलावा इसके अंदर जो मेरे कुछ ईयर रिंग्स है जो रेडीमेड जो ज्वेलरी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। इनको भी मैं पॉलीथीन में करके रखती हूँ, आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से एक ही मेरे पास ये वाले ईयर रिंग्स है। और इसके अलावा एक ये डायमंड शेप में स्टार लाइक एक ये वाले ईयर रिंग्स है, इनको मैं स्टोर करने के लिए जो है ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा कुछ ये वाले ईयर रिंग्स है मेरे पास में, सॉरी, इसके अलावा कुछ ये वाले एक जोड़ी मेरे पास ये वाले ईयर रिंग्स है। और मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, जो भी है मैं इस तरीके की डिब्बी में जो है स्टोर कर लेती हूँ। एक मेरे पास ये वाले ईयर रिंग्स है, आप देख सकते हैं ये कुछ झुमके टाइप है, ये देखिए। और ऐसे ही मैं इसमें अपने जो ईयर रिंग्स वगैरह है इस डब्बी के अंदर जो है स्टोर करती हूँ, जो भी है, ताकि सारी चीज़ें मैं इसमें एक साथ, जब कभी अर्जेंट कहीं जाना पड़े तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता कौन सी ईयर रिंग्स कहाँ पर, सारी इसी में स्टोर करके रखती हूँ। तो इसमें कुछ एसेसरीज और कुछ ये हो गए, दूसरा बैंगल्स इसमें आप रख सकते हैं। इसके अलावा इस तरीके के डब्बे में मैंने ये सारे अपने ईयर पिन्स जो है इसमें रखे हुए हैं, ये देखिए। इसमें कई तरह की ईयर पिन्स हैं, ये वाली आप सभी जानते हैं, ये वाली जो बंस में यूज होती है, और ये वाली, इसके अलावा कुछ इस तरीके की, और ये ब्लैक में है, और इसके अलावा ना
ये वाली इस तरीके की हेयर पिंस, ये सारी चीज़ें जो मैं इस बॉक्स में स्टोर करती हूँ ताकि अर्जेंट जब मुझे तैयार होना होता है, मुझे हेयर स्टाइल वगैरह बनाना होता है, पार्टी वगैरह में जाना होता है, तो सारी इसमें स्टोर होती है। यहाँ से निकाल कर जिस टाइप की मुझे हेयर पिन चाहिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं इस तरीके से स्टोर करके इसको करती हूँ, अपने अच्छी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करती हूँ। दूसरा जो है मेरे पास एक छोटी सी डब्बी है, ये छोटी सी डब्बी है, इसमें मैं कुछ सेफ्टी पिंस रखती हूँ। सेफ्टी पिंस ये 5 या 10 रुपए की आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगी। इसमें मेरे पास जो है कुछ इस तरीके के जो है आप देख सकते हैं, ऐसे जो है इसके अंदर कुछ पिंस है जो छोटे स्मॉल साइज में पिंस है जो मैंने इसमें इसके अंदर जो रखे हुए हैं। और जब साड़ी वगैरह पिनअप करते हैं तो पिंस की अर्जेंट नीड पड़ती है, पिंस के बिना तो साड़ी पिनअप हो ही नहीं सकती, साड़ी वगैरह कोई ड्रेस होता है ज़रूरत पड़ती ही है, तो इसमें मैंने रखे। इसमें छोटे वाले पिन हैं, इसके अलावा बड़े पिन, और उनके लिए मैंने एक अलग डब्बा बनाया, फैंसी पिन के लिए अलग बनाया। तो ये सिर्फ इस ऐसे डिब्बी के अंदर मैं इसमें स्टोर करती हूँ, और मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प हो जाती है जब मैं तैयार होती हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प हो जाती है, उसमें सारे इकट्ठे हो भी जाते हैं, काफ़ी सारे इसमें आ भी जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने सेफ्टी पिन को जो स्टोर कर सकते हैं, इसमें आप रख सकते हैं, आसानी होगी आपके जब आप तैयार होंगे तो आसानी से इसमें निकाल के अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक ये क्यूट सा पिन है, ये देखिए, ये तिरंगे का पिन है जो इंडिपेंडेंस डे पे मैंने ख़रीदा था, काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये, शायद 10 रुपये का आया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मैं इसको बहुत अच्छे से रखती हूँ, इसको कई साल हो गए ख़रीदे हुए। इसके अलावा मेरे पास एक ये वाली डब्बी है, इस डब्बी में जो है आप देख सकते हो इसमें मेरे कलीरे मैंने इसमें रखे अपनी शादी के, और हालांकि पहने तो एक ही बार जाता है लेकिन फिर भी ये जो है ये रखे रहता है ना तो अच्छा लगता है कि हाँ ये शादी का रास्ता, हमने इसको अच्छी तरीके से जो है प्रोटेक्ट करके रखा है, बहुत अच्छी तरीके से सेफली इनको रखा है, इनको ख़राब नहीं होने दिया, थोड़ा अच्छा लगता है ये देख कर के। तो मैं दिखाती हूँ इसमें मैंने किस तरीके से इनको रखा है, ये देखिए, है ना काफ़ी खूबसूरत। तो ये चीज़ें मैं ऐसे प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करती हूँ। इसके अलावा भी आप ऐसे डब्बों में रील हो गए, बटन हो गए, क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो है आप इसमें जो है स्टोर कर सकते हैं। मैंने तो इसमें कलीरे रखे हैं, अब आप देखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो पड़ी पड़ी फिरती है आप उनके लिए ऐसे डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इनको कोई DIY नहीं किया, इन पर कोई डेकोरेशन नहीं किया, क्योंकि मुझे ना ऐसे दिखता है तो ट्रांसपेरेंट देख के पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ है, खोल के नहीं देखना पता है, ईजी होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे यूज किया, मुझे सिंपल शोर चीज़ें बहुत पसंद है। इसके अलावा मेरे पास एक ये डब्बा है, आप देख सकते हो कि ये जो डब्बा है ना, ये आप सभी के यहाँ पे दिवाली होली पे जो फंक्शंस होते हैं तो वहाँ पे स्वीट्स वगैरह घर पे काफ़ी सारी आती है, उसमें कलेवा का, बीकानो का, काफ़ी सारे ब्रांड की मिठाई आती है जिसमें आपकी खसखस मिठाई, छोटे छोटे बर्फी वगैरह जो पीस होते हैं ना वो भरी आती है, तो वो मैंने साफ़ करके अच्छे से इस डब्बे को इसको इसके अंदर जो काफ़ी सारे बिंदी के ये जो पैकेट्स हैं ये मैंने इसके अंदर स्टोर किया है। आप इसका यूज़ जो रील वगैरह रखने में या किसी और चीज़ वगैरह रखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी है। आप बताना कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, या आप भी इस तरीके के अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको इस तरीके का आइडिया आपको कैसा लगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें जो अपने बिंदी के पत्ते जो मैं बहुत मतलब जो मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना और जो डेली के निकले हुए वो तो है ही, तो एक्स्ट्रा जो है मैं इसके अंदर रख लेती हूँ, जब मेरे ख़त्म हो जाते हैं तो मैं इसमें से एक या दो बिंदी का पत्ता निकाल के अपने ड्रेसिंग में लगा लेती हूँ। तो ये मैंने इसका यूज इस तरीके से किया है, इसमें अच्छे से आ भी रहे हैं। इसके अलावा आप इसमें अपने विजिटिंग कार्ड्स हो गए और बच्चों के स्टेशनरी शॉप का जो स्टेशनरी का जो सामान होता है वो चीज़ें रबर शॉपनर वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये इस डब्बे का यूज मैंने बताया, इसके अलावा किचन में भी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे छोटे मोटे सामान होते हैं ना, लौंग, इलायची पाउडर वगैरह इसके अंदर रख के छोटे छोटे पैकेट इसके अंदर रख सकते हैं और आसानी से सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी। खड़े मसाले भी इसमें रख सकते हैं रसोई के अंदर, किचन में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी तक आपको 4-5 तरीके के डब्बों का इस्तेमाल बताया, 1, 2, 3 और इसके अलावा ये 4 और ये वाला 5, 5 तरह के डब्बों मैंने आपको बता दिया कि इनका किस तरीके से मैं अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। और हे गाइस देखिए, इसके अलावा मेरे पास एक ये वाला डब्बा, आप सभी जानते हो ये ज्वेलरी के बॉक्स सभी के पास होते हैं, और ये जो है ज्वेलरी के अलावा और भी कई चीज़ों में यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आप ऐसे लाइन में जो है रील लगा सकते हैं या एम्ब्रॉयडरी का कोई काम करते हैं
तो एम्ब्रॉयडरी के जो रेशम वाले थ्रेड होते हैं, जरी थ्रेड होता है, वो सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर जो यहाँ पे ऐसे लाइन वाइज लगा सकते हैं, रील लगा सकते हैं, नीडल्स लगा सकते हैं, सुई बटन, काज बटन वगैरह का सारा सामान इसमें स्टोर कर सकते हैं। जो क्राफ्ट वगैरह का काम जानते हैं, डिकोर आइटम्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें पोम पोम टाइजल वाइजल बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, पल्स होता है, मोती सितारे, स्टोन्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी। तो आप जब कुछ काम करने बैठेंगे, डेकोरेटिंग करने बैठेंगे, किसी चीज़ों को बनाने बैठेंगे, पैच वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप इसे एक ही जगह मिल जाएगी। इसमें निकाल के अपने चीज़ों को, अपने डिकोर का काम जो आप आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा आप ग्लू बॉक्स बना सकते हैं, ग्लू की सारी चीज़ें जैसे फेविक्विक और आपका शैलो टेप हो गई, दूसरी वाली टेप जो आती है और जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो वाली टेप, सभी तरीके की जितने टेप होते हैं वो रख सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं। फेविक्विक हो गई, फेविकोल हो गया, ग्लू हो गई और सिंपल ग्लू हो गया, बिंदी को चिपकाने वाला ग्लू हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आप रख सकते हैं। तो सारा ग्लू बॉक्स हर टाइप का ग्लू उसमें हो जाएगा आपको। उस टाइम पर जब कोई टूट फूट घर में होती है वो यूज करने के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूज है, चैन जो आप स्टिचिंग करते हैं, चैन हर टाइप की होती है, चैन बटन वगैरह सारे इसमें रख सकते हैं और अपना जो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो है उसका यूज कर सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी जब आप कुछ काम करने बैठेंगे। ज्वेलरी के अलावा भी इस बॉक्स का काफ़ी सारा यूज है, तो आप इसके अंदर बिंदी के पत्ते भी आप अपने रख सकते हैं, बिंदी के जो पाउचेस होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास ऐसे डब्बे हैं और है तो आप किस तरीके से उसका यूटिलाइज करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। ये छठा डब्बा है, 6 जो 5 डब्बे मैंने दिखा उससे अलावा एक ये वाला डब्बा है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों की चीज़ों को रखने में, स्टोर करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और डब्बा है, मैं वो दिखा देती हूँ। ये एक प्लास्टिक का डब्बा है, तो काफ़ी पुराना है, मैंने इसको वॉश भी किया लेकिन इसका कलर कुछ ऐसा ही है, लेकिन प्लास्टिक बहुत मजबूत है इसलिए मैंने इसको नहीं डाली। इसमें मैं अपनी सारी जो ब्लाउज की, जो ब्लाउज और कुर्तियों की जो लटकन होती है वो रखती हूँ, क्योंकि जब हम वॉश करते हैं ब्लाउज वगैरह तो पानी में डलते हैं, उनका जो कलर होता है ना गोल्ड वगैरह, जो सारा फेड हो जाता है, लटकन ख़राब हो जाती है, रोज़ रोज़ तो वो खरीद ही नहीं जाती। तो मैं उसमें इस डब्बे में ऐसे अपनी सारी लटकन इकट्ठा करती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है जिस ड्रेस की उससे मैच वाली मैं अपनी लटकन निकाल के जो है अपने ब्लाउज में या कुर्ती में जो है हैंग कर लेती हूँ, और जब उसे वॉश करना होता तो निकाल के फिर इसमें रख लेती हूँ, तो आसानी से जो मेरे को हेल्प हो जाती है उनको अच्छी तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने में भी, और इस तरीके से मैं उनको आराम से सेफली जो है स्टोर करती हूँ। तो आप भी अपनी ब्लाउज की जो लटकन वगैरह है इस तरीके से ऐसे एक छोटे से डब्बे में सारी इकट्ठी कर लीजिए, और आपको जिस कलर की भी लटकन वगैरह आपको जब कोई ड्रेस पहननी है और तो उससे मैच वाली लटकन आप निकालिए, अपने ब्लाउज की डोरियों में हैंग कीजिए और पहनिए, और बाद में जब आपका मतलब रखनी हो इनको अच्छी तरीके से, तो आप इस तरीके से अपनी सारी लटकन देखिए कितनी नई लग रही है ना, क्योंकि मैं इनको इसी तरीके से यूज करती हूँ, क्योंकि ये अभी ब्लाउज के साथ उसको धो देते हैं तो उनका ये सारे कलर वगैरह सब उतर जाते हैं, ख़राब हो जाती है। रोज़ रोज़ ये चीज़ें खरीदेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है महंगी होती है, इनको रोज़ नहीं खरीदा जाता। तो आप मुझे बताइए आपको ये आइडिया कैसा लगा कि लटकन को किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। तो मैं इस तरीके से अपनी सारी लटकन वगैरह जो है इस डब्बे में स्टोर कर लेती हूँ, और जो भी कलर की मुझे साड़ी कुर्ती पहननी होती है उस पर मैं इस तरीके से जो है उनको लगा लेती हूँ, यहाँ से उनको एक नोट लगा के, और बाद में इसको खोल के वापस इसमें रख देती हूँ। तो हे गाइस, आज मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी 6 से 7 तरीके के डब्बों का अलग अलग इस्तेमाल करना बताया। तो आज की आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी और किस तरीके से है, यदि आपके पास ऐसे डब्बे हैं तो आप उनका यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे, कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा बेटर लगा, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ आपसे एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।